नमस्कार। आज हम ये बताएंगे कि थेवेनिन थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। इस प्रमेय के अनुसार रैखिक प्रतिबाधाओं तथा जनित्रों से युक्त कोई भी द्वि टर्मिनल रैखिक जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत, जिसको हम ETH से कहते हैं, व श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा ZTH से हम बनाते हैं। ETH दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य प्राप्त वोल्टता के तुल्य होता है, तथा ZTH उन टर्मिनलों के मध्य प्राप्त प्रतिबाधा होती है, जबकि सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, यदि हमारे पास कोई एक जाल है, उसमें Z1, Z2, Z3 को मिलाकर एक हमने सर्किट लिया है। इस सर्किट को हम जो उसके पास वाले चित्र है उसके अनुसार हम इसको बना सकते हैं कि इस पूरे को हम एक वोल्टेज सोर्स ETH, एक सीरीज़ में प्रतिबाधा जिसको हम कहते हैं ZTH, और उसका जो रेजिस्टेंस है कोई भी दो टर्मिनल्स ए और बी के बीच में लिया है, तो हम इसको निरूपित कर सकते हैं। थेवेनिन तुल्य प्रतिबाधा प्राप्त करने की जो विधि है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। इसको हम कई स्टेप्स में विभाजित कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि जिन दो टर्मिनलों के मध्य थेवेनिन तुल्य परिपथ प्राप्त करना हो, उनके बीच से लोड को हटा दीजिए, अर्थात दोनों टर्मिनलों के बीच खुला परिपथ कर दीजिए। मैं वापस बताती हूँ। मान लो कोई दो टर्मिनल है ए और बी, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। इन दो टर्मिनलों के बीच अगर हमें थेवेनिन तुल्य परिपथ प्राप्त करना है, तो इनके बीच से लोड को हटा देते हैं और हम इसको खुला परिपथ मान लेते हैं। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 ये बताता है, इन दोनों खुले टर्मिनलों के बीच वोल्टता प्राप्त करें, जिससे थेवेनिन वोल्टता ETH कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके बीच में जो वोल्टेज होती है वो हम प्राप्त करते हैं। इस वोल्टेज को थेवेनिन वोल्टेज या ETH कहते हैं। तीसरा नंबर स्टेप ये है कि अब सभी वोल्टता स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दें। यदि धारा स्रोत है तो उन्हें हटाकर शंट प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर दें। यदि आदर्श वोल्टता स्रोत है तो उन्हें हटाकर उन बिंदुओं के बीच पथ को लघुपथित शॉर्ट सर्किट कर दें। यदि आदर्श धारा स्रोत है तो उसे हटाकर उन बिंदुओं के बीच का पथ खुला कर दें। अब इन दो टर्मिनलों के बीच प्रतिबाधा प्राप्त करें, इसे थेवेनिन प्रतिबाधा कहते हैं। चौथा नंबर स्टेप यह है कि अब थेवेनिन तुल्य परिपथ प्राप्त करने के लिए ETH तथा ZTH को श्रेणी क्रम में जोड़ें, जैसे कि चित्र बी में बताया गया है। अब अगला जो स्टेप है वो पांचवा स्टेप है। लोड प्रतिबाधा ZR को थेवेनिन तुल्य परिपथ के टर्मिनलों के मध्य लगा दें। और लास्ट स्टेप, ओम के नियम का प्रयोग करके लोड से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। तो हमने जो दो टर्मिनल्स लिए हैं ए और बी, इनको सिर्फ जिसके अक्रॉस हमें थेवेनिन वोल्टेज निकालना है वो रखते हैं, बाकी सारे को हम एक थेवेनिन वोल्टेज की पावर सप्लाई और एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस जोड़कर एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इस इक्विवेलेंट सर्किट से अब हम इसका जो करंट है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इस करंट को यूज़ करते हुए फिर हम एक अलग से जो करस्पॉन्डिंग जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसके बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। थेवेनिन प्रमेय के कुछ उदाहरण हम आगामी लेक्चर्स में हम आपको दिखाएंगे।
तब तक के लिए आपको धन्यवाद।